नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। किसी भी पूजा साधना अनुष्ठान का जो प्रारंभिक चरण होता है, तो उस समय हम अपना पूरा प्रयास करते हैं कि कोई भी नियम या विधि हमसे ना छूटे। हर प्रकार से हम अपने अनुष्ठान को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। किसी भी साधना के प्रथम दिन क्या करना है, क्या पूजा सामग्री हो, इन सब की जानकारी हम अच्छी तरह से अपने पास एकत्रित करते हैं और फिर अपनी साधना को शुरू करते हैं। लेकिन किसी भी पूजा साधना के समापन के जरूरी नियम क्या हैं, क्या विधान है, इसकी जानकारी होना भी बेहद आवश्यक है, क्योंकि तभी आपके कार्य में आपको संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी और सिद्धि प्राप्ति की तरफ आप बढ़ते हैं। तो समापन यदि किसी भी साधना का, किसी भी अनुष्ठान का आप कर रहे हैं, तो सबसे प्रथम नियम वो हवन का है। हवन के बिना कोई भी पूजा अनुष्ठान, विशेषकर शक्ति की पूजा, अधूरी मानी जाती है। हवन की अग्नि में जो पदार्थ आप डालते हैं, वो सीधा देवताओं तक पहुंचता है, उन्हें तृप्त करता है। इसीलिए पुराणों में कहा गया है, अग्निर्वे देवानाम दूतम। विशेषकर जो बड़े अनुष्ठान आप संकल्प लेकर उठा रहे हैं, उनके अंतिम दिन हवन करने से आपके जप का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है और आपका अनुष्ठान संपूर्ण प्रभाव आपको देता है। तो इसमें अंतिम दिन आपको जो हवन करना है, वो दशांश हवन आपको करना होता है, अर्थात जितना जप किया जाए उसका 10% हवन करना है। यानी यदि आप 1,25,000 मंत्र जप करते हैं उदाहरण के लिए, तो उसका 10% यानी 12,500 आहुतियाँ उसी मंत्र की आपको देनी है। आहुति के लिए सामग्री क्या हो, ये आपकी साधना पर निर्भर करता है। जिस शक्ति की, जिस इष्ट की आप साधना कर रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए आप साधना कर रहे हैं, ये उस पर निर्भर करता है। लेकिन यदि आप किसी भी कारणवश हवन नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? हवन ना कर पाने की स्थिति में आप दशांश जप कर लें, अर्थात आपकी साधना पूर्ण होने के बाद जो मंत्र जप संख्या है, उसका 10वां हिस्सा आप अतिरिक्त कर लें। ऐसा करने से आपको अपने जप का, अपने अनुष्ठान का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरा महत्वपूर्ण चरण आपके अनुष्ठान के समापन का है कि जो भी संकल्प आपने अपने इष्ट के समक्ष लिया है कि जब ये अनुष्ठान समाप्त होगा तो मैं इस प्रकार से करूंगा, तो उस संकल्प को उसी दिन, जिस दिन आपकी साधना पूर्ण होती है, उसी दिन संपूर्ण करें। इसे ऐसे समझें कि यदि आपने संकल्प लिया है कि ये साधना पूर्ण होने पर मैं माँ के मंदिर में जाकर माँ को श्रृंगार का सामान, वस्त्र, दक्षिणा आदि अर्पित करूंगा या अर्पित करूंगी, फल, मिष्ठान, दान आदि का जो भी आपने संकल्प लिया है, तो वो उसी दिन आपको पूर्ण करना चाहिए। अब कई भक्तों का प्रश्न है कि जप की समाप्ति पर उसी दिन संभव नहीं है मंदिर जाना, तो क्या दूसरे दिन हम ये संकल्प पूर्ण कर सकते हैं माँ के मंदिर जाके? तो ऐसे में मैं यही कहूँगी कि प्रयत्न तो करें कि उसी दिन आप ये संकल्प पूर्ण करें। यदि बिल्कुल भी संभव ऐसा नहीं है, तो फिर माँ के समक्ष क्षमा प्रार्थना कर लें, माँ से आज्ञा लेकर दूसरे दिन आप वो जो चढ़ावा है, जिस चीज़ का भी आपने संकल्प लिया है, वो माँ के मंदिर में जाकर पूर्ण करें। तीसरा जो समापन का चरण है, जो बहुत आवश्यक है किसी भी अनुष्ठान के समापन में, कि जो अंतिम दिन होता है, उस दिन कन्या पूजन आपको जरूर करना है। यदि भगवती की प्रसन्नता के लिए आपने कोई जप उठाया है, 1, 3, 5, 7 कन्याओं को यथाशक्ति आप पूजन करें उनका, उनको भोग आदि अर्पित करें, दक्षिणा आदि उन्हें अर्पित करें। इसके अलावा सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को या किसी गरीब को यथाशक्ति आपको दान देना चाहिए। आपके जप का प्रभाव ऐसा करने से बहुत बढ़ जाता है और इष्ट की कृपा आप पर बरसने लगती है। समापन का चौथा चरण विसर्जन से संबंधित है कि जो भी सामग्री आपने पूजा में प्रयुक्त की है, उसे जल में प्रवाहित करें या उचित स्थान पर उसका भूमि विसर्जन करें, यदि बहता हुआ जल आपके आसपास नहीं है तो। ऐसा नहीं करें कि साधना तो आपने संपूर्ण कर ली है, लेकिन उसमें प्रयुक्त सामग्री कई कई दिन तक आपके घर में पड़ी है, ये ठीक नहीं है। कलश स्थापना यदि आपने की है, तो कलश के ऊपर का नारियल और कलश के अंदर की सामग्री का उचित रूप से उचित समय विसर्जन करें। प्रसाद को विधि का अनुसरण करते हुए स्वयं भी ग्रहण करें और अन्य लोगों में वितरित करें। तो ये सब समापन वाले दिन ही होना चाहिए। पांचवा बहुत जरूरी जो चरण है किसी भी साधना का, जब समापन आप कर रहे हैं, तो जो आपने जप लिया है उसका संकल्प आप पूर्ण कर देते हैं, तो उसके बाद भी कम से कम एक माला का जप आपको नित्य करना चाहिए, उसको छोड़ नहीं देना है।
देखिए, किसी भी बीज से यदि आप एक वृक्ष की आप इच्छा कर रहे हैं, उसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, तो आपको उसको खाद पानी देना होता है बीज को, और फिर उस बीज में से पौधा निकल कर बाहर आ जाता है, प्रस्फुटित हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको बीच में ही छोड़ देंगे तो वो पौधा मुरझा जाएगा। बस ऐसा ही मंत्र जप में भी है, मंत्र की ऊर्जा में भी यही है। किसी भी मंत्र का आप नियत संख्या में जब जप कर लेते हैं तो वो जागृत हो जाता है, लेकिन अनुष्ठान के बाद नित्य 11, 21, 51 या 108 बार सामर्थ्य अनुसार उस मंत्र को जपा जाना बहुत आवश्यक है, ताकि उस मंत्र की संपूर्ण ऊर्जा से आपके समस्त चक्र ऊर्जावान हो जाएं और मंत्र संपूर्ण रूप में चैतन्य हो जाए। याद रखिए, जागृत हो गया है मंत्र, लेकिन उसका कार्य मंत्र का तभी शुरू होता है जब संकल्प उठाने के बाद भी नित्य आप उस मंत्र का नियमित जप करते हैं, तो मंत्र अपना प्रभाव आपके जीवन पर दिखाने लगता है। तो दोस्तों, ये कुछ जरूरी नियम थे किसी भी साधना की समाप्ति पर जो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। सामने स्क्रीन पर 10 महाविद्याओं की साधना से संबंधित, उनके नियमों से संबंधित ये वीडियो आपको दिख रही है। एरो को आप क्लिक कर लें, इस वीडियो को जरूर देखें। आज की वीडियो में इतना ही, मुझे आज्ञा दें, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।